जहां एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को लागू किया गया, वहीं दूसरी ओर यदि वास्तविकता में देखा जाए तो युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह जिला अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है और इस योजना के लिए अपनी असहमति लोगों के द्वारा भी दिखाई गई है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लोगों से, युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे इस अग्निपथ योजना को समझें और इस तरीके का विरोध प्रदर्शन ना करें। नमस्कार साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी ये अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें, ये आपके लिए और देश के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा कौन किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है, दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है। और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से यह चल रही है। सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर, इस योजना के पीछे 2 सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं, एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।